कुर्मी एक ऐसा समुदाय है, मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज दो नेता कोरोना में जूझे, दोनों कुर्मी के थे। कुर्मियों का जो इतिहास रहा है आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के मैंने आदिवासकेता लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी जमीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि उनकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो पीड़ित है। आपको मजाक लगेगा, कुड़माली जो भाषा है हाल फिलहाल 2011 की जनगणना में मात्र 43 दिखाया गया था। सोचिए जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं, बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा कि EWS जिसको कोई जानता नहीं था उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए, राज्य को अगर समस्या होता है। बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्राइब्स में आप रखें। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार आपसी मतभेद ना हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। तो ये संवैधानिक मांग है और भारत का संविधान, राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना हटाना। लोकुर कमेटी बनी 1965 में, तो ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में लोगों की मांग मांगने को उनको अधिकार। बात बताइए, आज तो मोटा मोटी वो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है, आज तो सूचीबद्ध नहीं है, अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया है? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो राज्य सूची एक बनाई जाए जिसमें एक फार्मिंग ट्राइब तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्राइब तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे। आखिर बाकी राज्यों में कहीं अदर बैकवर्ड कास्ट 1-2 है, MBC है, OBC है, BC1 है, BC2 है, लेकिन केंद्र सूची में एक है। EWS कोई नहीं जानता था, 2016 में अचानक आके टपका, क्यों? समय की मांग थी। तो विवाद ना हो, बैठकर समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी का अधिकार कोई ना छीने। और मैं बकायदा ये बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ अगर शोषण होता है तो एक आम, जिसे आप सोचते हैं दलित उत्पीड़न, तो एक आम दलित का उत्पीड़न होता है, आदिवासी उत्पीड़न तो आम आदिवासी का उत्पीड़न होता है, लेकिन कुर्मी एक ऐसा समुदाय है मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज दो नेता कोरोना में जूझे, दोनों कुर्मी के थे। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, इट्स ए कॉन्स्पिरेसी। आज जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं है, श्रद्धांजलि, दूसरा नेता भी कुर्मी का बेटा है इंद्रजीत महतो। पहले हम प्रार्थना करते हैं सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी आस्था को कि वो इंसान स्वस्थ हो। तो वो साजिशों से जूझ रहा है वो समुदाय, मीडिया बंधु कभी दिखाइए, सुनील दा की हत्या हुई, लेकिन जो दूसरा शख्स मारा गया तो उनके सामने प्रभाकर महतो था। क्यों मारा गया? महत्व था इसलिए मारा गया। लेकिन जयराम जी, अब भाषा खाद्यान्न के बाद आप जो है कुर्मी आंदोलन के लिए क्या सड़कों पे उतरेंगे? देखिए मैंने पहले कहा हम लोग पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेरे समाज में हमारे जन्म से पहले से ऐसे ऐसे आंदोलनकारी हैं जो हमसे बेहतर हैं। अगर आपको मौका मिला तो जाएंगे आंदोलन में? लेकिन आप सड़क पे, देखिए हमसे, देखिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग विषय है। हम अगर उतरेंगे तो फिर आप ही लोग मीडिया कर्मी इस 1932 के आंदोलन को दो फाड़ कर देंगे। हम अगर डायरेक्टली फेस करेंगे तो आप लोग फिर आपस में ही हम लोग को लड़वा देंगे। जो इसीलिए सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है वो हमसे काफ़ी मजबूत है, वो बेहतर तरीके से अपना टैकल करेगी।